नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सरिता विलेज फूड में। आज हम बनाने वाले हैं अंडा करी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। आइए देखते हैं इसके लिए क्या क्या सामग्री लगेगी। ये हमने उबले हुए अंडे लिए हैं, इन्हें छील लिया है। हरा धनिया, 3 टमाटर, 4 प्याज, 2 हरा मिर्च, लहसुन को हमने कद्दूकस कर लिया है, अदरक को भी कद्दूकस कर लिया है। अब सूखे मसाले देखते हैं। 2 तेज पत्ता, लौंग, इलायची, दालचीनी, बड़ी इलायची और थोड़ी सी काली मिर्च ली है। हल्दी पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 बड़ा चम्मच, सब्जी मसाला 2 बड़े चम्मच, मीट मसाला 1 बड़ा चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, हींग 1/2 चम्मच, जीरा। गैस हमने ऑन कर दी है, गैस पर रख दी है कढ़ाई। कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ा सा तेल अंडा फ्राई करने के लिए। तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं। जब तक तेल हमारा गर्म हो रहा है, इधर हम अंडे में छील कर देते हैं। देखिए, 1 काटा चम्मच लेंगे, उसकी सहायता से इस तरह से इसमें छेद कर देंगे। ये देखिए, ताकि अंडे जो है फ्राई करते वक्त फूटे नहीं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे। अब इसमें हम 1-1 अंडा करके डाल देंगे और इन्हें फ्राई करेंगे। इन्हें हम 25 मिनट करेंगे। अच्छे से गोल्डन कलर आ गया है, अब इन्हें निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल और डाल देंगे। अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं। इसमें डालेंगे 2 तेज पत्ता और ये सूखे मसाले जो हमने लिए थे वो डाल देंगे। इसे अच्छे से पकने देंगे। इसमें डाल देंगे जीरा, थोड़ी सी हींग, अच्छे से पकने देंगे इसे। अब इसमें हमने जो अदरक कद्दूकस की थी वो डाल देंगे और लहसुन भी डाल देंगे। अब इसमें हम कटा हुआ प्याज डालेंगे। आज हम पेस्ट में बना के डाल देंगे, आपको ऐसे ही दिखा रहे हैं ग्रेवी बनाना। लोगों के पास जो है मिक्सी जार में, देखिए थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन होने लगे। अब इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च जो हमने काट के रखी है, इसे भी इसके साथ पका लेंगे। ये देखिए प्याज हमारे पक चुका है, वो दिन बहुत हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे कटे हुए टमाटर। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, अब इसमें हम डालेंगे मसाले, हल्दी पाउडर, मीट मसाला, सब्जी मसाला, धनिया पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे ग्रेवी में और जायका का ग्रेवी पीछे रख देंगे। मसाले में थोड़ा सा पानी डालेंगे। और इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि मसाले से तेल अलग नहीं हो जाता है। ये देखिए मसाले से तेल ऊपर आने लगा है, एक बार अच्छे से चला देंगे इसे। अब इसमें हम डालेंगे पानी।
अंडा लिए जैसे आपको ग्रेवी चाहिए। अब इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे फ्राई किए हुए अंडे, ऐसे 5 मिनट तक अच्छे से उबाल देंगे ढक्कन लगा के। 5 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटा के देते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से उबाल आ रहे हैं, इसमें इधर चला देते हैं अच्छे से, ढक्कन ऑफ कर देंगे। अंडा करी हमारी बनके तैयार है। अब इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया, ये देखिए अंडा करी बनके तैयार है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।